कुशीनगर जिले में पुलिस ने सिपाही हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि NH 28 पर मधुरिया चौक के जेकवा बाजार फ्लाईओवर के पास बीते 2022 में पिकअप से कुचलकर एक आरोपी ने सिपाही की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपी दिनेश गुण की तलाश में थी। साथ ही आरोपी पर ₹25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके तहत ही तुर्कपट्टी थाने की पुलिस ने जेकवा बाजार के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर से अनुराग रंजन की रिपोर्ट। श्री संतोष कुमार मुखिया सर के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक ₹25,000 का इनामी है, जिसका नाम दिनेश प्रसाद गौड़ है, जो 2022 में पुलिस के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाने के बाद उसके मुकदमा लिखा गया था, वो वांछित था, उसको थाना तुर्कपट्टी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह एक कुख्यात बहुत तस्कर है, जो कि यूपी से बिहार एवं बंगाल बहुत तस्करी करता था, और 2022 की चेकिंग के दौरान जबकि गाड़ी रोकी गई थी तब इसने गाड़ी ना रोक कर पुलिस पे गाड़ी चढ़ा दी थी। इसमें टोटल 6 अभियुक्त थे, इसमें से 5 गिरफ्तार हो गए थे और ये अभियुक्त घर से भागा हुआ था, लेकिन इसे थाना तुर्कपट्टी ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरी टीम को ₹10,000 का इनाम इसी घोषित किया गया।